अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। अमूमन पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने के बाद अपराधी की हालत बेहद खस्ता होती है, लेकिन मेरठी चौली पुलिस द्वारा गिरफ्तार ग्राम चिंडोली टप्पा निवासी सूरज के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। सूरज की जीवटता का इस बात से पता चलता है कि गोली लगने के बाद भी उसके चेहरे पर दर्द अथवा चिंता की कोई लकीर नहीं थी। इतना ही नहीं, अस्पताल में भर्ती सूरज जिस तरह अपने एक पैर को एक दूसरे पैर पर चढ़ाते हुए रख रहा था, अपने दोस्तों से हंसी मजाक कर रहा था, देखकर तमाम सवाल पुलिस की कहानी पर खड़े हो गए। बकौल पुलिस, मीठेपुर जंगल बम्बा के पास वे अपनी निशानदेही पर झाड़ी से मोबाइल बरामद करा ही रहा था कि वह दरोगा विजय कुमार की पिस्टल छीनकर भागने लगा, जिस पर पुलिस ने पैर में गोली मार कर उसको घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। देखिए सारा नज़ारा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।